नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान मंच एवं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने प्रदेश के सभी किसानों से आह्वान किया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी किसान लखनऊ पहुंचे, जहां विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना है। उन्होंने कहा कि किसान नहरिया चौराहे से लेकर विधानसभा चौराहे तक गणतंत्र दिवस पर शांति ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। भारतीय किसान मंच एवं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए दिल्ली से किसान नेताओं का निर्देश आया है, क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है और न ही कोई मामले का हल निकाल पा रही है। आइए सुनाते हैं कि भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कह रहा हूँ कि जो यूपी के हैं वो लोग लखनऊ में 26 जनवरी वाले दिन विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों पूरी ताकत के साथ, और सरकार को दिखाना है कि हम किसान एक हैं। सभी संगठनों ने मिल करके ये प्लान किया है कि हम लोगों को 26 जनवरी को यूपी में विधानसभा लखनऊ पर ट्रैक्टर मार्च के लिए सबको आमंत्रित किया है। निर्देश आए हैं दिल्ली से, हम लोगों को ये करना है और पूरी ताकत के साथ करना है। जय जवान जय किसान, क्योंकि सरकार हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार को जल्द चेत जाना चाहिए और जल्द से जल्द किसानों के इस बिल पर कैसे समझौता होगा इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से कि कैसे इसका हल निकलेगा। नहीं तो ये 26 जनवरी के दिन हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, विशाल ट्रैक्टर रैली विधानसभा, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आएंगे और रैली होगी लखनऊ में।